बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों पर निशाना साधने में पीछे नहीं हटती। बीते दिनों कंगना रनौत ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अब कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें शेयर कर एक पोस्ट लिखा है, जिसे लोग अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर लिखा, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। कंगना रनौत ने इसके अलावा लिखा है, शास्त्र कहते हैं कि धर्म की स्थापना सिर्फ धर्म के पालन से नहीं होती, बल्कि अधर्म के नाश से भी होती है। अयोध्या में तपस्वी राजाओं की परंपरा है, जिन्होंने भारत का उद्धार किया। जय श्री राम। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कंगना रनौत ने लिखा। कंगना ने इंस्टाग्राम अकाउंट की एक और स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, योगी जी ने पहले भेंट में कहा कि आप मेरी बहन हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। ऐसे महान और सज्जन व्यक्ति योगी, आपका यश और कीर्ति पूरे विश्व में फैले। गौरतलब है कि शनिवार की रात में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ पर तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो वह पिछली बार साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म धाकड़ में नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। अब कंगना रनौत फिल्म तेजस, फिल्म टीकू वेड्स, शेरू और फिल्म इमरजेंसी में काम करती दिखाई देंगी। वेल, इमरजेंसी की पिक्चर कुछ ही दिनों पहले खत्म हुई थी, जिसकी अपडेट्स कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की थी। वेल, उसमें इंदिरा गांधी का रोल निभाती नजर आने वाली हैं कंगना रनौत और उनकी पिक्चर्स, और इसकी जो भी पिक्चर्स अभी तक सामने आई हैं उसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कंगना रनौत को इमरजेंसी में देखने के लिए। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं और आपकी क्या राय है कंगना के इस बयान पर? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें।